देख आयशा, हम दोनों की मंजिल भले ही एक है, पर हमारे ना रास्ते अलग अलग हैं। तो मैं जाता हूँ अपने रास्ते, तू जा अपने रास्ते। कैसे मैं तुझको बताऊं, चाह के तेरा दिल ना दुखाऊं, माना मैं लाख बुरा हूं, पर उस भीड़ में लेके। तो आज के इस खास प्रोग्राम किस्सा दिल्ली में ये कहानी थी श्रुति द्वारा। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका अपना दिल्ली का लौंडा आरजे रोहन, रेडियो 63.5 कहानी एफएम। हैव अ गुड डे। हाँ मैं अधूरा हूँ, ये जो काम की आड़ में तू रोमांस कर रहा है ना, ये बॉस को बता दूंगा मैं। आज जाने से पहले एक सिगरेट चाहिए मुझे। तू कहाँ रह गया था भाई? वो विकासपुरी वाला क्लाइंट, वो मेरे को फोन करके बोल रहा है दोबारा आके डब दे के जाओ। मैंने बोला चूती आदमी, तेरे डब के चक्कर में जॉब थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। और वो इंटर्न जो तूने पिछले हफ्ते रखा था, वो आके मेरे को बोलता है भैया यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो जाएगी क्या? मैंने बोला चूतिया आदमी, ये वॉइस इंडस्ट्री है, दलदल है दलदल। एक बार घुस गया ना तो भैंचोद डूब के निकलेगा बाहर। सुबह से शाम तक यहाँ पे क्लाइंटों के पीछे भागते रहो, डब देते रहो, जिंदगी खराब हो गई भाई मेरी। यार विकी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, 2 साल से जॉब है, जॉब तो करनी पड़ेगी। मैं चूती, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा। लास्ट प्रोग्राम में एक कहानी आई थी, तो उसे पढ़कर ऐसा लगा कि मेरी कहानी से हूबहू मिलती है। क्या बात कर रहे हैं, वही कहानी जो उस दिन तू बॉस को सुना रहा था मीटिंग में? नहीं, आयशा और मेरी कहानी। आयशा, यू मीन आयश, रोहन की ख्वाहिश, फरमाइश, गुजारिश, उसकी याद आती है क्या बीबी? कभी कभी। कभी कभी नहीं आनी चाहिए। अबे तेरे दिमाग में ना लंड घुस गए, लंड। कब तक जगजीत सिंह बना रहेगा, रोता रहेगा? भाई इस सैड लाइफ से आगे बढ़, कुछ नया कर। ये 6 से 9 वाला शो तेरा सुबह कौन सुनता है? वो पहाड़गंज के ऑटो वाले? विकासपुरी के क्लाइंट सुनते हैं, उनको बोल दूंगा चूतिया विक्की की पेमेंट करवा दो। हाँ भाई प्लीज बोल दे यार, वरना भूखा मर जाऊंगा मैं, लवड़े लग गए। ये देख, हम छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, और लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना के उनको फिल्म फेस्टिवल में भेज रहे हैं और फेमस भी हो रहे हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक शॉर्ट फिल्म बना लेता हूँ, कहानी तो मेरे पास है ही एक, और हीरो ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। क्या हाल है? How you guys? आयशा, आयशा। एक मिनट रोहन, दैट्स व्हाट आई कॉल शॉट। आईफोन से ना हर एक शॉट सिनेमैटिक होता है। अगर हिम्मत है तो मेरे इस माइक्रोमैक्स से एक सिनेमैटिक शॉट क्रिएट करके दिखाओ। कहानी ना हर शॉट हर फ्रेम में होती है, उसके लिए किसी कैमरा की जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखने का ना नजरिया चाहिए होता है, और तेरी कॉल सेंटर की कहानियों से तो बहुत बेटर है। ओके, आई एम सॉरी यार, मजाक कर रही थी बस। बट तुझे पता है ना, ये जो तेरा आरजे बनने का सपना है, ये कॉल सेंटर में पूरा नहीं हो पाएगा। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ इस बात को। अब तू ही बता कि 25 की उम्र में मैं जिम्मेदारियों को छोड़ के पैशन को फॉलो कर सकता हूँ? तो मिस आयशा,
पैसों की जरूरत में इबादत नहीं देखी जाती। I understand, but what इबादत? तेरे को कुछ और काम है मेरी उर्दू का मजाक उड़ाने के अलावा? अच्छा सॉरी, तो फ्राइज का। फ्राइज का रंग जो चढ़ा चढ़ा है, सुबह का तेरी मुस्कुराहटों के जैसा है हाल मेरा, देखा तुझको एक नजर जो, तो जाना मैंने तू ही है जवाब, तू ही सवाल मेरा, गलियों में इन्हीं क्यों खोना भला, ख्वाब लेके तेरे क्यों सोना भला, और कुछ मुझे क्यों भाता ही नहीं, है दो ही चीज प्यारी इस जहां में, क्या हो जाऊं इनमें गुम, ये चांदनी चौक और तुम। ख्वाबों की दिल्ली, अफसानों की दिल्ली, यारों की दिल्ली, अवारों की दिल्ली, जहां मिलता है बेसहारों को भी सहारा, वही कहलाती है दिलवालों की दिल्ली। तो आगे की कहानी में क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना दिल्ली का लौंडा आरजे रोहन। तो आप सुन रहे हैं रेडियो 63.5 कहानी एफएम। क्या हो गया इस प्रोग्रामिंग हेड को? पता नहीं यार, दिमाग खराब कर रखा है। आप कोई नया शो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से? नया शो? द राइजिंग आर्टिस्ट शो। Guys, we want to start a new show. Every Sunday and Friday, we'll take an interview of an artist in our 12 to 3 batch who did excellent work in his or her field, but not recognized that much. So, हम अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को मौका देंगे जिनको अब तक उतनी पहचान नहीं मिली जितनी पहचान उन्हें मिलनी चाहिए थी। इससे क्रिटिक्स के पीछे भागने वाली ऑडियंस हमारे लिसनिंग को बढ़ाएगी। सो कम ऑन गाइस, गिव मी सच नेम्स। मैम, थारा भाई जोगिंदर, यही होना चाहिए। ओ, उसमें मैं रील ना बनवा लूं। तुम में से कोई न्यूज नहीं पढ़ता क्या? मैंने भी आज फोन में ही पढ़ा था। वो कौन सी शॉर्ट फिल्म है जो यूरोप फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है? हाँ, मुझे बताया ना, मुझे बताया ना। मैंने भी आज सुबह ही पढ़ा था। क्या नाम था यार, बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है। तुझे पता है क्या रोहन, तुझे भी दिखाया था ना मैंने शायद। तेरे को याद नहीं है क्या? तुझे पता है क्या नाम था उसका यार? Constellations। हाँ, Constellations नाम था उसका। भाई, aspiring artist तो हम भी हैं, लेकिन हमारा इंटरव्यू तो कोई नहीं लेता। मैंने सोच लिया मैं ये जॉब वॉब छोड़ूंगा और जा रहा हूँ किसी रियलिटी शो का ऑडिशन देने। रियलिटी शो? भोसड़ी के आयुष्मान खुराना जैसी किस्मत नहीं होती हर किसी की, कि पहले रियलिटी शो, फिर रोडीज और फिर बॉलीवुड। लाखों में एक होता है वो, ये तो हम जैसे मरवा रहे होते हैं। यहाँ रह के भी कौन से हैंडपंप उखाड़ लिए तूने? भाई, मैंने सोचा था कि मैं आरजे बनूंगा, फेमस हो जाऊंगा। फैन जो दो साल में 6 फोड़ा बड़े मेरे, मोहल्ले का ना ही नहीं जानता यार मेरे को। अबे छपरी, एक बार बता तो तुझे बोला किसने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए, फॉलोवर बनाने के लिए? क्या भगवान से लिखवा के लाया था जाके अपने बाप के टुकड़ों की रोटियां खाना जाके? अपने आप को कोठी बंगले वाला बन रहा है शनि बाजार और बुध बाजार की 125 वाली प्रिंटेड शर्ट पहनकर? हीरो बन रहा है अपने आप को? हल्की हल्की दाढ़ी बना के, हल्की हल्की शेविंग लगाकर, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले की लड़कियों को लगे चप्पल चोर कहीं का हीरो बन रहा है? ब्रो, एक रात में तो फेम मिलता नहीं है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है उसके लिए। भाई सुन, मेरे को मोटिवेशनल स्पीच सुननी होती ना, मैं जाके यूट्यूब खोलता और संदीप महेश्वरी की सुन लेता। सौ बात की एक बात यह है कि जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो आगे बढ़ जाते हैं, जिनकी नहीं होती वो हम लोगों की तरह यहां ही रह जाते हैं। रोहन, रोहन क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा शो है, मैं निकलता हूं यार। तू सुन, देख दाग के बोल दिया कर यार, कितने 10 लोग होते हैं सामने, किसी दिन मिल गया ना तू मेरे पे बहुत मारूंगा तुझे बाहर, तमीज से बोला कर यार थोड़ा सा। अरे तो उसमें मेरा क्या फायदा,
मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या करूं इसमें? To Aisha and congratulations for its amazing success and its nomination in the Mumbai Film Festival. Cheers. Guys, ये victory सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है. You guys have worked so hard on it, and specifically Rohan, he has always been supporting me. Thank you. But guys, तुम एक्टर्स के बिना तो ये मूवी कभी नहीं बन पाती, and I'm so excited to show it to my dad. Thank you so much. Very interesting. I really liked it. Thank you. In fact, पता है मैं क्या सोच रही थी कि हम लोग एक अलग से भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं with all of us together, right? Of course. So, just a second, I think. Rohan. So, how was the experience shooting the film? याद है आयशा, स्कूल में मैम पूछा करती थी कि बड़े होकर क्या बनना है, तो इस सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास, पर इतना पता था कि कुछ भी करूंगा ना दिल से करूंगा. पर साला बड़े होकर पता लगा कि एक मिडिल क्लास बच्चे के कंधों पर किताबों के बोझ से ज्यादा तो जिम्मेदारियों का बोझ होता है. यार तू ऐसे हार मत मान यार, डोंट लूज होप. अब तू मुझे को देख ले, जब मैंने सबको बोला था दैट आई वांट टू बी अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया. पूरे घर को छोड़ रामू काका तक मेरे में बिलीव नहीं कर रहे थे. बट यार फिर मैंने मेहनत की, अलग अलग कोर्सेस किए, एडी किया, सेविंग्स की, और जब थोड़ा सा रिजल्ट आने लगा तभी तो जाके पापा माने मेरी शॉर्ट फिल्म फंड करने के लिए. मुझे ऐसा लगता है ना, अगर लाइफ में कोई भी चीज़ बहुत पैशन से करो तो पैसा खुद ब खुद आ जाता है. ये सब बातें मैडम फिल्मों में बहुत अच्छी लगती है. देख मैं भी उतना ही पैशनेट हूँ जितनी तू पैशनेट है. मैं भी रोज़ स्टूडियो में धक्के खाता हूँ, अपनी आवाज़ को ठीक करता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता हूँ, राइट? काश मेरी लाइफ में भी पैशन उतना ही साथ देता तो मज़ा आ जाता. पर शायद पैसा भी बहुत ज़रूरी है. I understand your point, but ये हर बार टॉन्ट करना ज़रूरी है क्या? आयशा मैंने तुझे टॉन्ट नहीं किया, मैं बस इतना सा बता रहा हूँ कि मैं भी बॉम्बे जाना चाहता हूँ, बट अभी हालात नहीं है. तू इस बात पे तो फ्रस्ट्रेटेड है, और अगर तू चाहता था कि मैं बॉम्बे ना जाऊं तो बोल देता ना. आयशा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या बोल रही है, तेरे को पता है? आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स गुड दैट योर सर्कमस्टेंसेस अलाउ यू टू गो एंड चेज योर ड्रीम्स. तो तुझे लगता है ये सारी मेहनत से जो मैंने काम किया है वो एक्चुअली मेरे फैमिली की वजह से? फायशा तुझे अब तुझे मेरी बातों का जो गलत मतलब निकालना है निकाल. आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट योर सक्सेस एंड वॉज शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट. रोहन मुझे लगता है ना कि मैं लाइफ में जितना अचीव कर लूं कि तू उतना क्रेडिट शायद मेरे काम को नहीं देता जितने तू मेरे फैमिली बैकग्राउंड को देता. कुछ टूटते अरमानों की दिल्ली, कुछ रूठे हालातों की दिल्ली, जहां जवाब की भी फिक्र में हो मन वही कहलाती है उलझे सवालों की दिल्ली. तो आगे की कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे किस्सा ए दिल्ली. यस मैम. रोहन योर शो किस्सा ए दिल्ली रियली गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स. हाँ अदर हेड्स आर ऑल्सो वेरी इम्प्रेस. थैंक यू सो मच मैम, एंड आई एम ग्लैड मुझे इस रेडियो ने यह मौका दिया. सो बेस्ड ऑन योर ऑडियंस पॉपुलैरिटी वी आर असाइनिंग यू अ बेस्ट स्लॉट 12 PM to 3 PM, जिस टाइम हमारे सबसे ज्यादा लिसनर्स एक्टिव होते हैं. थैंक्स अ लॉट मैम, एंड आई विल डू माय बेस्ट. गुड, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट कि नेक्स्ट वीक से हमारा द राइजिंग आर्टिस्ट शो स्टार्ट हो रहा है, एंड वी वांट यू टेक एन इंटरव्यू ऑफ दोज आर्टिस्ट. क्या नाम था उस शॉर्ट फिल्म का? हाँ, कॉन्स्टेलेशन. सो वी आर कॉलिंग द डायरेक्टर ऑफ that short film, Aisha Mehra.
So next week, be prepared for that also. डिस्क्रिप्शन विल मीट यू नेक्स्ट वीक विद द सेकंड एपिसोड टिल देन टाटा बाय.